जलन। ममता बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी, वहीं सुनील एक सरल और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का। सुनील बेटा, सुनील कहाँ है? अरे जरा एक ग्लास पानी तो दे दो। हाँ माँ, अभी आया। क्या माँ, पानी तेरे सर के पास ही तो रखा है, क्या हो गया है? तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, वो उठने का मन ही नहीं कर रहा था तो देखा ही नहीं। वैसे क्या कर रहा है, यहाँ बैठना मेरे पास। माँ पढ़ रहा था, वो क्या है ना, नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता, अब ऑफिस से घर आकर ही तो वक्त मिलता है। अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ ले जा बेटा। सुनील पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब देख कर सोचता है कि शादी ही कर ले, कब तक माँ का ख्याल वो अकेले रख पाएगा। तो एक दिन, माँ ये ममता है, मैंने इससे शादी कर ली है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ, घर संभालने वाली और तुम्हें संभालने वाली कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। माँ अचानक से सामने बहू देखकर हैरान रह जाती है। बेटा ये क्या बात होती है, ना बैंड ना बाजा ना दहेज ना शगुन, ऐसे कैसे बहू आ गई? माँ तू तो जानती है मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कहाँ से इतना पैसा बचा पाता कि धूमधाम से शादी करता। वैसे भी माँ लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे, इसलिए बस वैसे ही। माँ जी मैं आपका ख्याल रखूंगी, वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर गए तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को ममता की बात ठीक तो लगती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटे को लेकर फर ना हो जाए और फिर तो वो रह जाएगी अकेली। बेटा देख, मेरा जो कुछ भी है वो सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं, क्या सुनील? बिल्कुल माँ, लेकिन आज से ममता भी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है जैसे तू है। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है, कैसे कोई और उसके 30 साल के बेटे की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर की चीजों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है, मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये माँ को अचानक से क्या हो गया, कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान की झांसी की रानी कैसे बन गई? माँ क्या हो गया, सब ठीक है ना? अचानक कैसी बात कर रही हो? ममता का आज पहला दिन है, स्वागत करो उसका, आसपास की आंटियों को बुलाओ, नई दुल्हन की मुंह दिखाए करवाओ। खैर सास होने का फर्ज निभाती है और बाद में एक सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। क्यों री, बताया नहीं कि बेटे का ब्याह कर रही हो? वैसे तो सारा दिन हमी में घुसी रहती हो। अरे मुझे भी तो अभी पता चला, यूं अचानक सर पर लेकर आ गया, कहता है बहू है माँ तुम्हारी, अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना